दीपावली जुआ खेलने के लिए है, इससे प्रदूषित दिमाग क्या होगा। आज मानव मस्तिष्क प्रदूषित है। एक दीपावली आई तो लगा था कि कहां हम छोड़कर चले जाएं यहां से, जो चारों तरफ भट 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 आवाज होने लगी, कुर्सी के अंदर घुस जाएं तो भी आवाज जाए वहां, आई बारूद की गंध उसके कण। सुबह में जब हम निकले आश्रम पर तो सफेद कपड़ा लेकर के नाक के छेद में दिए तो नाक के छेद में से वो काला काला निकला। आपको क्या मिला? इतने लोगों के स्वास्थ्य से तो खेल हो गया, मिला आपको क्या? ध्वनि प्रदूषण हुआ है, अब उसका विकार हमारे नाक के रास्ते हमारे फेफड़े तक गया, आपको क्या मिला? बर्बादी तो सारे लोगों की हो गई। छोटा फुटफुट तो करता है, बड़ा आदमी है बगल में, नाम लेना अच्छा नहीं है, उसके उसकी छत पर इतनी भयानक आवाज हुई, हम तो ये आवाज कहां से आई जी? तो कहा एक पराग का 250 रुपए का है। कि छोटे मियां छोटे बड़े मियां सुभान अल्लाह, ये क्या कर रहे हो? हवा प्रदूषित हो रही है कि नहीं? पानी को हमने प्रदूषित कर दिया। गंगा जल की पवित्रता गाई गई है बहुत पहले से, लेकिन जितनी आज नालियां हैं, कितना ही सरकार चिल्ला रही हैं, साधु संत चिल्ला रहे हैं कि गंगा जल की पवित्रता को अक्षुण बनाए रखो, गोदावरी से लेकर के वो पहाड़ से जो निकलती है गंगा हरिद्वार से, ये कहलगांव पहुंचते पहुंचते न मालूम दर्जनों सैकड़ों नालियां गंगा जी में मिली हुई है। गंगा के पानी को, तमाम फैक्ट्रियों का पानी उससे मिला हुआ है। गंगा जल को हमने प्रदूषित कर दिया, हवा को प्रदूषित कर दिया, अन्न को प्रदूषित कर दिया। आज कोई चीज खाने योग्य है क्या? आज भारत की मानसिकता हो गई केवल पैसा चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए। स्वास्थ्य से नफरत है, पैसा आ जाए। बड़ा बड़ा कदुआ लाता है लोग, बाद में हमको पता चला कि इंजेक्शन वाला है, हमको ये क्या हुआ बाबा, कदुआ में इंजेक्शन। बचो हिंदुस्तान के लोग, स्वास्थ्य लाभ करो। पटना सिटी में टमाटर में इंजेक्शन तो पकड़े पकड़े अरेस्ट हो गया, वो टमाटर में इंजेक्शन दे रहा। एक दिन इतना बड़ा तरबूजा लाया, हम कह रहे बाप जल्दी लाओ, इतना बड़ा तो आज तक देखे नहीं थे हम। तब हमको लोगों ने कहा कि काहे इतना बड़ा है जानते हैं? नहीं, कहा कि नहीं इसका सुई इंजेक्शन पड़ा है इसको, हम हटाओ यहाँ से। हमारे ब्रह्मचारी लोग हमारे लिए दूध लाया एक दिन बाजार से, तो हमके विलम्ब काहे हुआ? कहा पहले गौ को इंजेक्शन पड़ा तब दूध निकाला गया, हमके तब दूध नहीं है, जहर है, वहीं छोड़ दो इसको, कैसे खाएगा आदमी, क्या खाएगा आदमी? टमाटर में इंजेक्शन, कदुआ में इंजेक्शन, तरबुज्जा में इंजेक्शन, सेब अनार में इंजेक्शन, गौ में इंजेक्शन, सबको प्रदूषित बनाकर रख दिया। क्यों ऐसा हुआ? द्रव्यातुरता ने आदमी के दिमाग को प्रदूषित कर दिया है, लोभ से हमारा दिमाग प्रदूषित हुआ है। आज चारों तरफ भारतवर्ष के संयमशील देश में सामूहिक नरसंहार है, बलात्कार है, छीना झपटी है। क्यों हुआ ऐसा? कामुकता ने, काम की प्रचंडता ने, काम की उत्तेजना ने यहाँ के इंद्रियों लोगों को इंद्रिय लंपट बना दिया है, जिसके चलते उसका मानस भवन प्रदूषित हो गया है काम के उद्वेग से। तब आज जगह जगह बलात्कार और न मालूम क्या क्या भ्रष्टाचार का काम हो रहा है। आज मानव मस्तिष्क बहुत प्रदूषित हो गया है। भाई भाई का प्रेम खत्म हो गया, माता पिता से श्रद्धा खत्म हो गई, पड़ोसी पड़ोसी से लगाव सद्भाव खत्म हो गया, राष्ट्रीयता दफना दी गई, लोक परलोक का भय छोड़ दिया है। इस सबको पीछे छोड़ करके एक भावना हमारे अंदर है कि जे न के न प्रकारे न द्रव्यागमनम भवेत, जिस किसी प्रकार से हमारे पास द्रव्य आ जाए क्या करोगे द्रव्य लेकर के भाई? तो मैंने कहा मानव मस्तिष्क आज प्रदूषित है, कामोत्तेजना से मानस भवन प्रदूषित है, लोभोत्तेजना से मानस भवन प्रदूषित है। लोभ लोभ
एक जगह मैं जा रहा था, दीवार में लिखा हुआ था बाप रे बाप। तो हम अगल बगल के लोगों से पूछना शुरू किए कि कोई घटना घट गई है क्या यहाँ, हमकी क्या बात है। उसने कहा हमके दीवार पर लिखा हुआ है बाप रे बाप, क्योंकि समाधान वहीं आगे पढ़ कर देखिए। आगे हमने दृष्टि डाली तो समाधान वहीं था, बाप रे बाप, लोभ सब पाप का बाप है। आपके शीर्षस्थ नेताओं के अंदर लोभ आया, तुमने देश के पूरा हक को मार करके विदेश रखाया है जी, इतना बड़ा घनघोर भ्रष्टाचार हुआ, आज लोभ समा गया है। हमारा लोभ का क्रियान्वयन, लोभ की व्यवहार में परिणति दो रूपों में है, आर्थिक लोभ और चारित्रिक लोभ। विश्लेषण कीजिए, लोभ सभी पाप का बाप क्यों है। लोभ का क्रियान्वयन दो रूपों में, आर्थिक लोभ और चारित्रिक लोभ। दूसरे के धन को देख करके लोभ होता है, ये आर्थिक लोभ है, और दूसरे की माँ बहन बेटी को देख करके भी हमारे दिमाग के गह्वर में लोभ होता है, तब तो बलात्कार करते हो। इसलिए लोभा पापस्य कारणम, ये आर्थिक लोभ, ये चारित्रिक लोभ सबसे बड़ा पाप है। इस पापाचार से अपने आप को बचाना चाहते हो तो लोभ से जो आपका मस्तिष्क प्रदूषित हुआ है, खड़े हो जाओ, उसको छोड़ने के लिए संकल्प ले लो। भरथई ने कहा था कि लोभश्चेत अगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः, लोभश्चेत अगुणेन किं, एक लोभ हमारे मानस भवन में है तो और अवगुण क्या खोज रहे हो, सारे अवगुणों की जड़ तुम्हारे पास है। तो लोभ हमारे दिमाग को प्रदूषित किया है, मिलावटबाजी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी, लोभ के चलते हमारा दिमाग इतना प्रदूषित हो गया। भाई भाई का हक मारना लोभ के कारण, पड़ोसी पड़ोसी को परेशान करना लोभ के कारण, दूसरे के हिस्से जमीन को कहीं दूसरे के हाथ में बेच देना लोभ के कारण, बड़े बड़े अन्याय होते हैं लोभ में। यहां लोभ के कारण आज एक अभिशाप आया है, सत है कि खत्म हो गया, अनुकंपा, अनुकंपा हो अनुकंपा, कितना बुढ़वा के जान ला लेते। एक बेटा बाप हाई स्कूल का टीचर, कार्यावधि 2 साल बची हुई थी, 2 साल के बाद उसका रिटायरमेंट होने वाला था, और उसका बेटा ग्रेजुएशन कर लिया, तो उसने सोचा कि बाबूजी तो कभी मरवे न करेंगे, अगर अभी मर जाते हैं तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अब बाबूजी मर कैसे जाएंगे, तो पितृभक्त पुत्र ने सोचा है कि जरा मरने में बाबूजी को सहयोग कर देते हैं। ये पूर्णिया मधेपुरा के बॉर्डर की घटना है, ये गप नहीं है, सच्ची घटना। नौकरी के लोभ में धरती तल का सबसे पूज्य माता पिता, पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः, पितरी प्रीति माँ पन्ने जायन्ते सर्वदेवता, माता पिता स्वर्ग हैं, माता पिता तीर्थ हैं, माता पिता गंगा है। जो पुत्र श्रद्धापूर्वक माता पिता का सेवन करता है वो गंगा स्नान कर रहा है, जो माता पिता का सेवन करता है वो तीर्थ कर रहा है, जो माता पिता की श्रद्धापूर्वक सेवा करता है उसका स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इतना ऊंचा स्थान माता माता पिता से बढ़कर के धरती पर पूज्य कोई नहीं होता है। उस लड़के ने सोचा नौकरी का हो गया लोभ, उसने सोचा बाबूजी तो अमर होकर के कभी तो मरने न करेंगे, और कभी मरेंगे तो अभी मरने में कुछ फायदा तो हो जाएगा। सोच करके बेचारा लोभ में संवरण नहीं कर सका, जहर पिला दिया उसको। लेकिन संजोग था उस टीचर को, भनक लग गई कि हमको जहर मिल गया, तुरंत हॉस्पिटलाइज हुआ, तुरंत उपचार हुआ, जहर का असर मुक्त हो गया। अब बेचारा वो कभी सारहू के यहाँ, कभी ससुराल, तो कभी तीर्थ में चक्कर लगा रहा। एक आदमी पूछा कि काहे घूमते